गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभ्योदय अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 69 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग में सम्मिलित 696 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के बारे में चर्चा करने के लिए कि आपका नियुक्ति पत्र कब तक जो है वितरित किया जा सकता है और उसके लिए आपको कितनी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी तक कोई भी डेट स्पष्ट नहीं हुई है, आप लोग को पता है, और उसके लिए सभी अभ्यर्थी जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दे रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उनको या विधायक या सांसद को। तो आप लोग भी तत्पर हो जाइए और अपने अपने ज़िलों में सब लोग जो है ज्ञापन वगैरह दीजिए, लेटर सांसद विधायक से लेटर भिजवाइए मुख्यमंत्री जी को, ताकि आपको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल सके। तो उसी के क्रम में हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से जो है लेटर जा चुका है मुख्यमंत्री जी के पास और कहाँ कहाँ कितने सारे अभ्यर्थी कितना तत्पर हैं इन सब बारे में। और जो भी नया डिस्ट्रिक्ट में अभी जैसे बाराबंकी हुआ, वहाँ पे लिस्ट लगा दी गई है, तो आप लोग जाके चेक कर लें अपना अपना नाम वगैरह, कि किसी का जो है संशोधन वगैरह हो तो वो भी अपना नाम देख लें कि कहीं उनका वेटिंग लिस्ट वगैरह में तो नहीं डाला गया है। तो जो भी बाराबंकी के कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं जो बाराबंकी में, तो वो लोग अपना जो है नाम वगैरह देख लें और BSA ऑफिस वगैरह से संपर्क कर लें। जो भी BSA ऑफिस के नज़दीक हों वो लोग पता कर लें इस बारे में। तो चलिए देख लेते हैं, गोरखनाथ बाबा हैं, ये सदस्य हैं विधानसभा भाजपा के, तो मिल्कीपुर अयोध्या सदस्य याचिका समित विधानसभा उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, आदरणीय महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69 शिक्षक भर्ती के तृतीय चरण में चयनित 696 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, किंतु अब तक इनको नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है, जिससे आवेदकगण परेशान है। आवेदकगण द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत कर वितरण कराने की मांग की गई है। आवेदकगणों की मांग इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सादर प्रेषित है। तो अतः आपसे सादर अनुरोध है कि समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का निर्देश प्रदान की करने की कृपा करें। तो यहां से भी अभ्यर्थियों ने जो है लेटर जारी करवाया है और मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करवाया है। वहीं पर देख लेते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास समय है। और आपको पता है कि इसके पहले भी जो है जेल वार्डन वाला नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था, और फिर अब जो है जो नए चयनित हुए हैं, आपको पता होगा कि नवचयनित 26 व्यायाम प्रशिक्षकों तथा 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में से 50 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र 5 कालिदास मार्ग लखनऊ पर वितरित किया जाएगा। तो आपको पता है ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। तो आप लोग को पता है इससे लेटर से ये हो रहा है कि हाँ, मुख्यमंत्री जी के पास बिल्कुल समय है, ये विभाग की वजह से ही लेट लतीफ़ी हो रही है, मुख्यमंत्री जी के पास से कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं हो रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है SC RT जाकर वहाँ पर देखें, अधिकारियों से मिलें कि किस वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है, और अगर जो है किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो फिर सब अभ्यर्थी जो है आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा अपने नियुक्ति पत्र के लिए। घर पे बैठकर आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए आपको पता है कि आज 18 तारीख हो गई है, 18 दिन बीत चुके हैं, फिर भी नियुक्ति पत्र के बारे में अभी कोई भी उसके बारे में ना ही आपको डेट बताई गई है, ना ही उसके बारे में किसी तरह का जिक्र किया गया है। और वहीं पर कुछ लोग बता रहे हैं कि उनके पास कॉल वगैरह आ रही है लखीमपुर खीरी से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से किसी को भी जो है कॉल वगैरह नहीं किया जा रहा है, ये न्यूज़ जो है फेक न्यूज़ है, आप लोग परेशान ना हो। ऐसा कुछ भी होता है तो ऑफिशियल लेटर जारी होगा उसके लिए, और उसमें किसी का जो है ऐसा नहीं है कि उनको अलग से निर्गत कराया जाएगा कि हाँ आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इतने 696 अभ्यर्थी हैं, सबको जो है एक लेटर जारी किया जाएगा विभाग द्वारा,
उसके तहत ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग जो है एकदम परेशान ना हो कि आपको अलग से कॉल करके बताया जाएगा तभी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये सब एकदम फेक न्यूज़ है, इसके बीच में आप लोग ना पढ़ें और आप लोग सिर्फ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने विधायक वगैरह से जो है लेटर भिजवाएं मुख्यमंत्री जी तक और सांसद से जिससे भी मुलाकात हो पाए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन वगैरह सौंपें। तो ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 9 चयनित व्यायाम प्रशिक्षक तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र के ऑनलाइन वितरण कार्यक्रम से संबंधित विज्ञापन समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा बैनर स्टैंडेज एवं होर्डिंग लगाने के संबंध में है। तो आपको पता है ये 18 जुलाई का लेटर है, आज के दिन ही इसको जारी किया गया है और उन लोग को जो है नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी द्वारा ही दिया जाएगा 19 तारीख को। तो आप लोग जो है 4 बजे उनको जो है शाम को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि समय है मुख्यमंत्री जी के पास, सिर्फ जो है विभाग की वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6696 चयनितों को नियुक्ति पत्र कब? कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी को 6696 के नियुक्ति पत्र से जल्द वितरण कराने के ज्ञापन दिया गया। तो आपको पता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो हर जगह जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं वो सबसे जो है मिल रहे हैं। तो वहीं पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी से भी मुलाकात हुई और उन्होंने 21 तारीख को मंत्री जी ने लखनऊ बुलाया है, मुख्यमंत्री जी से बात कराने की बात कही है। 22 को कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक है शिक्षा विभाग के साथ। तो आप लोग को पता है कि 22 को जो है मीटिंग भी है, इसी वजह से 21 तारीख को मुलाकात करने के लिए बुलाया है कि आप लोग जो है आकर अपना पक्ष रखें, जो भी बात कहना है बात करवा दी जाएगी 21 तारीख को। तो बहुत अच्छा है, आप लोग जो है इसी तरह का प्रयास करते रहें, जागरूकता फैलाते रहें, तभी आप लोग को जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्योंकि दिन आपका पर डे जो है बीतता जा रहा है और अभी भी कोई किसी तरह का जो है ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि आपको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा। और ऐसी बहुत सारी जो है आपको पता है कि वैकेंसीज आई और उनका जो है अभी तक जो है नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहें और कल SC RT पहुँचें अभ्यर्थी और जो है जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करें। या आपको पता है CM द्वारा जो है जनता दरबार लगाया जा रहा है, उसमें भी जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है पहुँच कर आप लोग जो है अपना मैटर रखें और CM जी से मिलें, तभी आपका जो है उन्हीं के निर्देशों से आपका काउंसलिंग हुआ है ये आपको पता है और उन्हीं के निर्देश से आपका नियुक्ति पत्र भी वितरित होगा। क्योंकि विभाग बहुत ही ज़्यादा सुस्त है इस बारे में, देख ही रहे हैं आप, इतने दिन हो गया कि आज जो है मुख्यमंत्री जी से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी इसके पहले जो है बात किया गया था तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ कुछ दिन का समय दीजिए। कुछ दिन का मतलब कि तब से आज लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक कोई आपको समय ही नहीं मिला मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, मुख्यमंत्री जी के पास समय है और सिर्फ बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो है ये सब जो कि आपके SC RT वगैरह से ही या जो है वहाँ से निर्देशित नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से लेट लतीफ़ी हो रही है। तो आप लोग SC RT कल पहुँचें और SC RT पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर तो वहाँ पर ज्ञापन वगैरह दें, उनसे बातचीत करें कि क्या बात है, हमारा मैटर जो है क्यों अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, उस बारे में कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। तो तभी आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले भी जब भी लिस्ट जारी होनी थी तो बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में जो है बच्चे पहुँचे थे, PNP आपको पता है शिक्षा निदेशालय पहुँचे थे। तो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो है प्रयागराज वहाँ बताया गया था कि 15 दिन में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, तो 15 दिन में लिस्ट देखने को मिल गई है। अब SC RT से ही नियुक्ति पत्र जो है होना है सब कुछ, तो वहाँ आप लोग पहुँचें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। वहीं पर देखते हैं, श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पे भी जो है सारे जो जौनपुर के अभ्यर्थी हैं उन्होंने वो पहुँच कर ज्ञापन सौंपा BSA को। और भाइयों, सोमवार को लखनऊ में कोई जनता दरबार में योगी जी से मिलने आज, तो जो भी लोग हैं उसके नज़दीक वो सब पहुँचें और मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में ज़रूर मिलें। माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा जौनपुर ज्ञापन सौंपा गया, जिला अध्यक्ष को भी जौनपुर में ज्ञापन सौंपा गया। नियुक्ति पत्र के लिए मेरा एक विचार है, जहां तक मेरे ख्याल से दवा उसी चीज़ का कराना चाहिए जिस चीज़ की बीमारी हो। तो आप लोग को पता है कि अधिकारियों और शिक्षा मंत्री
के ऊपर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाना होगा, तभी कुछ संभव है। वहीं पर 69 सहायक अध्यापक भर्ती के 33 चरण में चयनित 66 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में जो है लेटर भेजा गया है। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का चयन 69 शिक्षक भर्ती के 33 चरण 66 अभ्यर्थी की चयन सूची में हुआ है। शासन के आदेशानुसार चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28/29 को संपन्न हो चुकी है, परंतु अभी तक और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। बिना किसी वजह के नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, जिससे चयनित अभ्यर्थियों के मन में तमाम प्रकार की आशंकाएँ हैं। अभ्यर्थी मानसिक तनाव की स्थिति में है, जबकि इससे पहले 2 चरणों में 31,277 और 36,590 की काउंसलिंग के पश्चात अगले ही दिन हर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया था। अतः आपसे निवेदन है, सविनय अनुरोध है कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें, जिससे योग्य अभ्यर्थियों की को सेवा का अवसर मिल सके। तो इसमें जो है जो भी कैंडिडेट हैं वो लेटर भेजा गया है। तो इसी तरह का आप कार्य करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ये सब जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही, अगर जो लोग नहीं बाहर निकल पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। वहीं पर दिनेश प्रताप सिंह हैं, यहाँ पर भी कैंडिडेट लोग जो है उनसे मिले हैं और उनको ज्ञापन दिया है, इस बारे में बातचीत भी किया गया है। और भारी संख्या में सब लोग कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री जी को ज्ञापन दिया, तो आपको पता है कि वहाँ पर जो है अभ्यर्थी पहुँचे थे और जो है उनको ज्ञापन दिया था। 66-96 चयनितों को नियुक्ति पत्र दीजिए, बेरोजगारी से मुक्त दो, 66-96 को नियुक्ति पत्र दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से 66-96 चयनित भावी शिक्षकों की काउंसलिंग संपन्न हुई, परंतु अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई, 20 दिन बीत चुके हैं, अतः आपसे निवेदन है कि अतिशीघ्र नियुक्ति पत्र प्रदान कर पुनः आशीर्वाद दें। वहीं पर आपको पता है कि आगरा टीम जो है बहुत ज़्यादा तत्पर है। उन्होंने माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश जी, विधायक महेश गोयल जी, विधायक राम प्रताप सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया। 69 में थर्ड लिस्ट 66-96 में चयनित सभी अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है और जल्द से जल्द हम सभी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएं, इस तरह का जो है उसमें रिक्वेस्ट किया गया है। देख रहे हैं जो आगरा के कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा तत्पर हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर होइए और इस तरह का जो है ज्ञापन वगैरह हर जगह दीजिए विधायक सांसद को। तो उसमें लेटर में कहा गया है जो राम प्रताप सिंह द्वारा जारी किया गया है कि महोदय, संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। तो इसमें जो भी कैंडिडेट पहुंचे थे उनका सिग्नेचर वगैरह है, तो आप लोग देख रहे हैं। वहीं पर जो है कल जो है अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं SCERT, तो आप लोग भी जल्द से जल्द पहुँचें। उनका जो है टिकट वगैरह भी है, उन्होंने शेयर किया है, तो आप लोग भी जल्द से जल्द पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, ताकि कोई डेट आपको मिल सके नियुक्ति पत्र की। और इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हैं लोग कि हाँ फ़ोन आ रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है, तो इस तरह कोई बात नहीं हो और SCERT से ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। जनपद बाराबंकी में चयनितों की सूची जारी कर दी गई है, यदि किसी के सामने तीनों ID सहित कोई भी कॉलम खाली है तो तत्काल BSC ऑफिस संपर्क करें, धन्यवाद। तो जो लोग भी हैं सेलेक्ट हुए हैं आपके बाराबंकी में, वो लोग जो है जाके संपर्क कर लें और देख लें किसी का जो है नाम वगैरह में किसी तरह की जो है अगर विसंगति हो तो उसे दूर करने के लिए विभाग से संपर्क कर लें। वो इस तरह का जो है हर जगह से जो है लेटर जारी हुआ, डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा ये योगी आदित्यनाथ जी को लेटर भेजा गया है, जिसमें जो है उन्होंने थर्ड काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र के बारे में बातचीत की गई है। RK सिंह का जो अभ्यर्थी मिले थे वो पता है आपको, शनिवार को अभ्यर्थी ने अपनी मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से मिले थे, ये RK सिंह की पोस्ट है। और 20 दिन बाद भी नहीं मिले नियुक्ति पत्र, आपको पता है आज ही जो है कन्नौज में जो है अभ्यर्थियों ने ये सब भी किसी तरह जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। तो इस तरह का भी कार्य करते रहें आप लोग, सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी ना किसी तरह से प्रकाशित करवाते रहें, ताकि आपकी जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। तो इसमें कहा गया है करीब 20 दिन बाद भी नए शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, जबकि काउंसिल प्रक्रिया जून में ही पूरी की गई है। तो आप लोग कल SCERT पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, उसके बाद जो है जो भी लोग जनता दरबार में जा रहे हैं वहाँ से टीम बनाकर एक टीम जनता दरबार मिलने चली जाएगी और
एक टीम जो है सीआरटी पे अधिकारियों से मिलेगी, जो भी वार्ता होगी वो सब जो है एक ऑथेंटिक होगा, वहाँ से पता चलेगा आपको कि हाँ कितना दिन का समय लगेगा बिना संख्या बल के। कोई भी कार्य आपको नहीं पता है कि जो है जल्द नहीं होता है, तो संख्या बल दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब वो समय आ गया है, 20 दिन गुजर चुके हैं, जल्द से जल्द जो है आप लोग सीआरटी पहुँचें। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।